सर ये जो हम दीवारों के बीच में छेद देखते हैं, यहाँ से क्या वो अपनी इसके गन इसके वगैरह? इसके दो रीज़न हैं। जी एक तो ये है कि आप इधर से देख सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होता था, जैसे मान लीजिए अगर इसमें से देखते हैं बड़ा बना देते तो तीर कमान चलते थे, उसके बाद में फिर गन्स भी आ गई थी, तो वो निशाना साधने के लिए जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा रिस्क, तो उन्होंने देखने के लिए तो कर दिया ऊपर, और नीचे से इसमें क्या करते थे कुछ डिस्टेंस के बाद में या तो खोलता हुआ पानी या खोलता हुआ तेल या जो भी उनके पास होता था गर्म वो रखते थे, और इनके ऊपर से जो एनिमी अगर चढ़ती थी ऊपर तो गिराते रहते थे उसके ऊपर से कि वो जल के और नीचे गिर जाए ऑटोमेटिकली। अच्छा। चढ़ नहीं पाए, और तीर और गन और ये सब तो उसमें से चली जाती थी। अच्छा। फिर उसने तो जैसे लगभग हर किले के सामने हम देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये डायगनली है कई जगह पर, देखिए इसमें दो दो हिस्सों में बांटा हुआ है इसको, दोनों ऐसे हैं देखिए। जी बिल्कुल, ये देखिए एक ही जगह से दो गन चला सके। हाँ, दो आदमी चला सकते थे जी। और दोनों डायगनली बैठते थे ऐसे जी। जिसको जैसे जिसको इधर शूट करना है तो वो यहाँ बैठेगा इस तरफ जी। और जिसको इधर करना है इधर, तो बैरल जो गन की होते थे वो डायगनली इंटरसेक्ट करते थे एक दूसरे जी। जैसे क्रॉस होता है। हाँ, क्रॉस जैसे। अब ये एक रैंप हम देखते हैं सीधा ऊपर को जा रहा है जी। क्योंकि उस समय अभी जो मॉडर्न जो तोपे हैं टैंक हैं वो तो थी नहीं, तो जो उनकी तोपें थी वो पहले या तो जानवरों से खींचती थी या फिर आदमी खींचते थे उनको। अच्छा। तो जानवरों से भी खींचना होता था या आदमियों से, दोनों के लिए फ्रिक्शन बनाना पड़ता था। ये देखिए जैसे गड्ढे हैं ना इसके अंदर, ये फ्रिक्शन बना रखा है इसके ऊपर जिससे कि वो फिसले नहीं वापस, स्लिप नहीं हुए, और ये जो आदमी चल रहे हैं वो भी स्लिप नहीं हुए इसके ऊपर। जैसे कि कई अभी मॉडर्न रोड्स पर आप ले रोड के ऊपर गिट्टी फंसा देते हैं कि वो फ्रिक्शन क्रिएट कर ले, ग्रिप अच्छी हो जाए, तो ये ग्रिप के लिए कर रखा था, और रस्सी से या रस्से से किसी से इसको बांध देते थे, जानवर ऊपर लग जाते थे और नीचे आदमी, और उसको ढकेल के ऊपर ले जाते थे, तो आप पुश करना पड़ता था और वहाँ पर वो तोप लग जाते थे। तो इसीलिए ये जो पत्थर के जो रैंप बना रखे हैं इसमें गड्ढे हैं, ये इसीलिए हैं कि उनको अच्छी ग्रिप मिल जाए। ये जो मैंने बताया जैसे कि कुछ समय के लिए ये ब्रिटिश सेना के अंडर में भी था, तो अगर आप ये देखते हैं यहाँ पर ये आर्टलरी स्टोर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप ग्रुप बी कार्ट्रिज एंड आर्टलरी स्टोर ये लिखा है जी। ये लिखा है ना, ये कार्ट्रिज CARTRIDGE कार्ट्रिजेस एंड आर्टलरी स्टोर जी। तो इसके नीचे जो है वो एरिया था जिसमें वो अपने गोला बारूद भी स्टोर करके रखते थे। अच्छा। जो सबसे अच्छी बात है इस किले के आर्किटेक्चर में वो ये है कि आपको इस तरह का आर्किटेक्चर देखने को कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उन्होंने रानी के टाइम से उसको फॉलो किया था। अच्छा। वाटर हार्वेस्टिंग ऐसी थी कि छतों अमूमन छत ऐसी होती है जी। इसमें आप देखें छत ऐसी है जी। तो ये पूरा पानी कलेक्ट होकर बीच में से चैनल से नीचे उतरता था और सब जगह से इसमें ये सिस्टम है। देखिए यहाँ पर अगर आप ये देखते हैं ना होल है जी। ये पानी के लिए ये ढाल में घुस चला जा रहा है और ढाल से नीचे आप देख सकते हैं कि पानी नीचे उतर जाता था। ये कुआं है इसके नीचे, इसमें भी कलेक्ट होता था पानी और हार्वेस्टिंग इसमें भी होती थी। और जो फोर्ट जिस गेट से हमने एंटर किया है जहाँ पर आज पार्किंग बना रखी, पार्किंग के पीछे एक तालाब था, उस तालाब के अंदर पूरा वाटर हार्वेस्टिंग का पानी उसमें इकट्ठा कर लेते थे और वो पानी इतना हो जाता था कि गर्मी भर वो खूब चल जाता था, फिर वापस बरसात में आके वापस वो भर जाता था। अब ये वाला जो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो बुर्ज है इसके ऊपर दोनों काम मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा है ये, मतलब एक एग्जांपल है जिसमें आप दोनों को बता सकते हैं कि आप के पुराना काम क्या था और नया काम क्या था। ये देखिए ये वाला जो है इसका जो दीवार है ऊपर आर्च नुमा है पूरी, देख रहे हैं आप जी। तो अच्छी थिकनेस है और थिकनेस में आपको बाद में ही बताऊंगा, लेकिन इसमें पुराना मटेरियल वही चूने का और जो भी उनको मिल गया पत्थर ईंट वीट सब लगा दिए उसके अंदर उन्होंने। अलावा उसके अगर आप यहाँ आते हैं तो थोड़ा नीट वर्क दिखाई देता है, कहते हैं ना बिल्कुल क्लीन एंड टाइडी जैसे। तो अब अगर आप ईंटों का भी अगर अरेंजमेंट देखते हैं तो देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने और कोने भी ऐसे उस तरीके से निकाल रखे हैं। तो ये धीरे धीरे जब ब्रिटिश के अंडर में आया तो उन्होंने इस तरह का ईंटों का काम करना चालू कर दिया। आगे इसको अगर आप देखते हैं तो ऊपर भी उन्होंने इसको सील कर दिया चूने से जिससे कि अगर पानी गिरता है तो दीवार में नहीं बैठे। अब आती है बात लोहे के इस्तेमाल करने की, क्योंकि पीछे हमने देखा तोपों के अलावा और कहीं कोई लोहा नहीं था, तो जब ब्रिटिश आए इन्होंने ये लोहे के छोटे छोटे खिड़कियाँ लगानी चालू कर दी। वो इसीलिए कर दी कि यहाँ से उनको हवा भी आती रहती थी। अच्छा। और उनको दिखाई भी पड़ता रहता था कि नीचे क्या हो रहा है। अच्छा। अलावा उसके जब वो बंद कर देते थे उसको, तो जो हमने मैंने आपको पहले मेरे एंट्रेंस में बताया था कि दो उसमें स्लिट हैं यहाँ पर, इसी तरीके की वो भी थी,
इसमें से आप नीचे देख भी सकते हैं और गन का बैरल इसके अंदर से बाहर निकल सकता है, तो देख भी सकते हैं, निशाना भी साध सकते हैं। अच्छा। और जो अगल बगल इसका जो लोहा लगा हुआ काफ़ी थिकनेस का है, करीब करीब 1.25 इंची का ये प्लेट्स हैं, जिससे कि अगर दूसरी तरफ से अगर फायरिंग होती थी तो वो इसको बचा लेती थी, गोली वगैरह अंदर नहीं आती। हाँ, एक शील्ड की तरह काम करती थी, जैसे आजकल तो बुलेट प्रूफ हो गए, लेकिन उस जमाने का ये बुलेट प्रूफ हैगा। और ये भी वही है कि बैरल से आप देखते ना और अपना देख के आप चला सकते हैं। फिर अगर थोड़ा सा आगे आते हैं, इसका दरवाज़ा मैंने बताया था जो आप पहले कह रहे थे कोई चोरा के ले गया है, देखिए ये इस तरीके से इसमें ग्राउट कर देते थे वो नीचे दरवाजे का हिस्सा, तो वो उसमें फंसा रह जाता था, ऊपर ये हिंजेस थे इसमें होता और बंद होता था और खुलता था। नीचे जो है ये देखिए, ये शिव मंदिर हैगा यहाँ। अच्छा, ये देखिए, इसमें रानी पूजा करती थी, और एक देवी माता का मंदिर है वहाँ पे भी वो रेगुलर पूजा करने जाती थी, रोज 1.25 घंटे पूजा करती थी। ओके। अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें एक इको भी आता है, आपको महसूस हो रहा होगा मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो एक आवाज़ थोड़ी लंबे समय तक चलती हुई चली जा रही है। कारण उसका क्या है कि इसकी जो छत बनी हुई है वो कोनिकल शेप की है। ओके। और कोन में क्या होता है कि आवाज़ अपने आप इको बनाती है, और दूसरी बात यह है कि कोनिकल शेप की जब रूफ होती है तो उसको वो वेंटिलेटेड भी रखती है, ठंडा भी रखती है, बाहर के वनस्पत यहाँ पर ठंडक है, चारों तरफ इसमें खिड़कियाँ हैं तो वेंटिलेशन इसमें क्रॉस हैगा इसके अंदर। okay. 1, 2, 3, 4 और ये 5वां यहाँ पर है पूरा, मतलब हेक्सागोनल है ये कमरा देखा जाए तो। ये उस वक्त क्या काम लिया जाता था सर? डिफरेंट यूज में आते थे ये, जैसा मैंने वहाँ से पॉइंट आउट किया था ना कि ऑफिशियल पोस्ट्स भी आती थी यहाँ पर, उनके ऑफिस भी होते थे, और बाद में कुछ इसको अपने रेजिडेंशियल पर्पज़ भी रखते थे, क्योंकि जिनकी ड्यूटी यहाँ लगती थी, जैसे आजकल जो पुलिस स्टेशन होते हैं उसमें एक थोड़ा सा एरिया उनके लिए रहता है कि भाई आप यहाँ रह भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं। रखे थे स्टेप्स दे रखे थे, जैसे मान लीजिए आपको नीचे जाना है तो आप यहाँ से नीचे जा सकते थे ये। अच्छा। और यहाँ से नीचे जाके लेफ्ट में जाएंगे तो मेरे एंट्रेंस पर फिर पहुँच जाएंगे आप। ओके। है वैसे ही कमरे जी, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर अलग है। अलग ये है कि उसमें तो खिड़की तक ऊपर बना रखा है, वहाँ तक देखिए जी, और ये आप खड़े होके देख सकते हैं यहाँ से, जैसे आप यहाँ अगर आते हैं तो खड़े होके देख सकते हैं यहाँ पे जी। पहले एक टाइम पे इसमें आगे बालकनी भी थी, वो अब हटा दी गई है क्योंकि वो रिस्की था। जैसे यहाँ पर भी है, इधर से भी देख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था ना वहाँ से नीचे जी, कि साइड वॉल ड्राई मोट मोट और ये सब वो है। नीचे दरवाजे भी होते थे छोटे निकलने के लिए जी, कि आप अगर चाहें तो आराम से निकल के एक दरवाजे दूसरे तरफ दरवाजे तक पहुंच सकते थे। और ये जो यहाँ पर है देख रहे हैं आप, ये हुक लगे हैं बाद में, या तो पंखे के लिए लगा दिए उन्होंने क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी लग गई थी इसमें, ऊपर ये लगा हुआ ना जो जी, ये बाद में इसको साफ किया गया, ये इलेक्ट्रिसिटी की पट्टी है ऊपर जिसको वो कहते थे ना बीडिंग लगाते थे वो लकड़ी की, वो पूरी है। और ये हवा के लिए और लाइट के लिए कर रखा है इन्होंने दोनों, जैसे हवा भी आती रहे लाइट भी आती रहे। इसके ऊपर पहले कैनोपी लगी थी ऊपर ऐसे, जो कि बाद में हट गई वो पैसेज ऑफ टाइम टाइम के साथ साथ। मिक्सचर है इसके अंदर भी, पहले हमारे यहाँ पतली पतली ईंटें चलते थे जिसको लाखोरी ब्रिक्स कहते थे, देखिए ये वाली है ना ये रही, ये पतली पतली हैं। इसका ब्रिक का कंस्ट्रक्शन बहुत मजबूत माना इसलिए जाता था कि जितनी थिकनेस ब्रिक की होती थी उतना ही थिकनेस उसके चूने की या लाइम की या सीमेंट की जो अब हो गया, उतनी थिकनेस से इसको लगाया जाता था, इसलिए इसकी पकड़ मजबूत होती थी। अच्छा। और उसके बाद में वो ब्रिटिश पैटर्न आ गए ईंटों का, वो बड़े बड़े ईंटें बनने लगे थे, और आज इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े ईंटें बने लगे जो कि डस्ट और सीमेंट के बनाते हैं। जी बिल्कुल।